शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। हिंगनघाट के तहसीलदार श्रीराम मुंदड़ा, इनके मार्गदर्शन में सभी 27 युवकों को दी गई विदाई। लॉकडाउन के दरमियान शहर में लटके केरल राज्य के 34 प्रशिक्षणार्थियों को कांग्रेस हाईकमान के आदेश के बाद पालक मंत्री सुनील केदार की पहल से इनके राज्य तुरंत भेजा गया। ये कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, 10 दिनों में यह कार्रवाई की गई। 25 मई को शाम 7 बजे उनका निवास स्थान जो शहर शिव सुमन मंगल कार्यालय से उनकी विदाई की गई। केरल कांग्रेस आमदारों ने दिल्ली के हाईकमांड को हिंगनघाट में लड़के प्रशिक्षणार्थी अपने राज्य वापस भेजने की विनंती की थी। सभी प्रशासकीय यंत्रणा काम से लगी थी। सुनील केदार ने तत्काल आदेश दिए, तब तेलंगाना राज्य के 7 युवक प्रशिक्षणार्थी अभी भी लटके पड़े हैं। उनकी भी तेलंगाना राज्य भेजने की मांग की गई है। जाने के लिए बहुत सारे मदद किया था सीसर इधर का लोग और पालक मंत्री, इतने सब किया, हमको बहुत खुशी है, बहुत धन्यवाद है सब लोगों को, बहुत सर धन्यवाद सर। अच्छा से पंडित भैया इधर से हमको सुबह शाम खाना अच्छा से मिलता है, सब कुछ अच्छा है। जी आहे जी केरळची तिथं शिक्षणासाठी इथं आली होती आणि लॉकडाऊनमुळे ही इथं अडकली। मागच्या 3 महिन्यापासून ही इथं थांबून होती, त्यांची जाण्याची सोय होत नव्हती। तर पालकमंत्री महोदयाच्या सहकार्याने त्यांनी काही आर्थिक मदत केली आणि त्या आर्थिक मदतीमधून 40,000 रुपये स्वतः पालकमंत्री महोदयांनी यांना उपलब्ध करून दिले। 1,40,000 रुपयाचं भाडं त्या बसचं भरण्यात आलं, तेव्हा ही बस इथं पोहोचली। त्यांच्या पासेस काढण्यासाठी पण बरीच अडचण निर्माण होती, परंतु त्यांच्या ऑनलाईन पासेस तयार करून दिल्या, बसेसला पण पासेस करून दिल्या आणि आता हे लोक केरळासाठी आता निघून जातील। इनबीसीएन न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवी येणोरकर की रिपोर्ट।